हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि स्प्लेंडर प्लस, एचएफ डिलक्स, पैशन प्रो, स्विफ्ट डिलक्स, इन सभी बाइक का फुल इंजन कैसे फिटिंग किया जाता है। एक एक स्टेप बताऊंगा दोस्तों। अगर वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो समझ लिए कि आपको फुल इंजन का काम करना आ गया। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और आपको एक एक चीज़ बताऊँगा कि कौन सा चीज़ कैसे लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके ऑयल पंप इस पॉकेट को हम चेंज करेंगे। तो चलिए बताते हैं इसको कैसे चेंज किया जाता। ये मैंने टाइमिंग चेन का पूरा किट लिया है जो कि हीरो का ओरिजिनल है। 470 रुपये इसका MRP है। इसके अंदर आपको टाइमिंग चेन, रोलर, रोलर, स्प्रिंग सभी देखने को मिल जाएगा और ऑयल पंप इस पॉकेट भी इसमें रहता है। तो चलिए इसको निकाल के बताते हैं कि कैसे लगेगा। ये देख सकते हैं हीरो का ओरिजिनल है, तो इसको हम इसमें असेंबल करेंगे। तो इसको कैसे असेंबल किया जाता है चलिए बताते हैं। इसको निकालने के लिए सबसे हमें 8 नंबर का टिप आना लेना होगा। इसको यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, फिर उसके बाद हमें एक पिलास लेना होगा और इसको इस बगल लगा के खोलना होगा। तो चलिए दिखाते हैं कैसे खोला जाता है। चलिए खोलिए। अगर मान लीजिए ये बहुत ज़्यादा जाम रहेगा, नहीं खुलेगा, तो इसके इस बगल यहाँ पे हल्का सा हमें चोट मार लेना चाहिए। इसे मारने से ये आसानी से खुल जाएगा अगर ज़्यादा टाइट रहेगा तो। इस पर हमने हल्का सा चोट मार के अभी एकदम आसानी से खुल जाएगा। ये देखिए, ये हमारा आसानी से बाहर निकल गया। सबसे पहले हमें इसको नीचे से इस बगल बाहर की तरफ लाना होगा। अब हमें इसको लगाना होगा। ये जो हीरो लिखा हुआ है ये बाहर की तरफ रहेगा हमेशा। तो चलिए इसको लगाते हैं। ये देख सकते हैं आसानी से लग गया। अब इसको हमें फुल टाइट करने के लिए एक पेचकश लेना होगा और इसको यहाँ पे फंसाना होगा। अगर आप यहाँ पे नहीं फंसाना चाहते तो आप जैसे इसको खोला था यहाँ पे एक टिप आना लगा के इसको आसानी से पिलास की मदद से कस सकते हैं। इसको हमें यहाँ पे 8 नंबर का टिप आना लगाना होगा ताकि ये घूमे ना। अब इसके बाद इसको हमें पिलास की मदद से आसानी से कसना होगा। अब इसको फिट करना होगा। ये आउटपुट शाफ्ट है जो इंजन के बाहर रहता है, जिसमें चैन वाला आगे का स्पॉकेट लगता है। तो चलिए इसको बताते हैं कि कैसे फिट किया जाता है। इसमें देख सकते हैं एक लॉक लगा हुआ है। अब इसके बाद हमें वाशर को लगाना होगा। तो चलिए वाशर को लगा लिया है। वाशर को लगाने के बाद अब ये हमें पिनियन को लगाना होगा। ये जो खांचा बना हुआ है ये इसमें जाएगा, तो इस वाले पिनियन को हमें ऐसे लगाना होगा। ये देख सकते हैं आसानी से लग गया। अब इसके बाद हमें इसमें एक और वाशर देना होगा। इसमें वाशर देने के बाद हमें ये वाला पिनियन को लगाना होगा। इसमें कोई खांचा नहीं बना होता है। इसको आप चाहे तो ऐसे भी लगा सकते हैं, अगर चाहे तो ऐसे भी लगा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम इसको ऐसे लगा लेते हैं। इसको लगाने के बाद अब हमें इस बगल एक बूश को लगाना होगा जो कि ये वाला बूश लगेगा ऐसे। अब इसको लगाने के बाद हमें ये वाला पिनियन को लगाना होगा। ये जो अब हमें इस पिनियन को लगाना होगा, इसमें जो ये गड्ढे टाइप का बना हुआ है ये हमें बाहर की तरफ रखना होगा। अगर आप इसको ऐसे लगा दोगे तो ये काम नहीं करेगा। इसको हमें इसके तरफ लगाना होगा। ये पहले बूश लगा लेंगे। इसको हमें ये जो उठा हुआ भाग है ये हमें अंदर की तरफ लाना होगा। देख सकते हैं आसानी से लग गया। अब इसके बाद हमें एक वाशर इस बगल देना होगा और एक वाशर इस बगल देना होगा। ये देख सकते हैं एक वाशर भारी है और एक छोटा वाशर है। तो ये जो भारी वाला वाशर है ये हमें इस साइड लगाना होगा और ये जो छोटा वाला वाशर है इसको हमें इसके ऊपर की तरफ लगाना होगा। ये हमारा आउटपुट शाफ्ट फिट हो गया। अब हमें इनपुट शाफ्ट को फिट करना होगा। ये देख सकते हैं इसमें 3 शाफ्ट पहले से ही फिट है। इस पिनियन को
देख सकते हैं इसमें तीन पिनियन पहले से ही लॉक है, ये बाहर नहीं निकलता है। अगर आप इंजन खोलोगे तो ये बाहर नहीं निकलेगा, सिर्फ एक इस पॉकेट बाहर निकलता है। इसमें तीन पिनियन पहले से ही जाम रहता है, इसमें लॉक लगा रहता है, ये बाहर नहीं निकलता है। अब इसमें हम लॉक के बाद एक वाशर को लगाएंगे। वाशर को लगाने के बाद हमें इस पिनियन को लगाना होगा, इसको हमें इस तरफ से लगाना होगा। ये जो खांचा बना हुआ गड्ढे टाइप का, ये अंदर की तरफ रहेगा, ऐसे ये देख सकते हैं। ये दोनों हमारा फिट हो गया आसानी से। अब इसमें हम गियर सिलेक्टर को फिट करेंगे। इसमें पिनियन को लगाने से पहले हमें सबसे पहले इसमें एक न्यूट्रल पत्ती लगता है, उसको लगाना होगा। तो चलिए वो दिखाते हैं कैसा रहता है और कैसे लगेगा। देख सकते हैं ये न्यूटन पत्ती है जो कि मीटर में न्यूटन का लाइट शो करता है, वही वाला। अगर इसको आप नहीं लगाएंगे तो वो लाइट नहीं जलेगी। तो चलिए इसको लगाते हैं, ये ऐसे लगेगा। ये जो वाला भाग है ये इस गड्ढे में रहेगा, तो इसको ऐसे लगाना होगा हमें। देख सकते हैं आसानी से लग गया। इसको लगाने के बाद अब इसके अंदर जो ये पत्ती है इसको हमें मोड़ देना होगा। तो चलिए इसको मोड़ देते हैं, एक पेचकस की मदद से इसको हमें मोड़ देना होगा। इसको हमने लगा लिया। अब इसमें हम गियर पिनियन को बैठाएंगे। ये जो नीचे वाला शाफ्ट है इसमें हमें इस पॉकेट वाले पिनियन को लगाना होगा जो कि आउटपुट शाफ्ट है, और ये जो ऊपर वाला है इसमें हमें इनपुट शाफ्ट को लगाना है जो इंजन के अंदर ही रहता है, तो ये लगाया जाता है। इसको लगाने के लिए हमें ये जो खांचा बना हुआ है इस खांचे में लगेगा। ये जो देख सकते हैं ये खांचा बना हुआ है, ये ऐसे लगेगा। खांचा बना हुआ है ये इस खांचे में लगेगा, इसमें भी एक खांचा बना हुआ है, ये देख सकते हैं, ये आसानी से लग गया। और इसके वाशर को देख लेना, दोनों तरफ वाशर लगा हुआ रहना चाहिए, गिरे ना वाशर, नहीं तो गियर सही से काम नहीं करेगा। सबसे पहले इसके बैरिंग को हमें अच्छी तरीके से चेक कर लेना चाहिए, अगर ये खराबी रहेगा तो इस बैरिंग को हमें चेंज कर देना चाहिए। इसके बाद हमें इसमें हल्का ऑयल को लगाना होगा, ल्यूमिन ऑयल को लगा लेना चाहिए। इसमें ऑयल को लगाने के बाद अब हमें इस शॉफ्ट को बैठाना होगा। ये वाशर देख लेना गिरे ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये आसानी से बैठ गया, एकदम आसान है दोस्तों। अगर आप ये करोगे तो आसानी से कर लोगे। यहाँ से आप गियर भी बदल के देख सकते हो, गियर सही से काम कर रहा है कि नहीं। ये बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। अब इसके बाद हमें इसमें किक शाफ्ट को लगाना होगा, तो चलिए दिखाते हैं वो कैसे लगेगा। इस किक शाफ्ट को लगाने से पहले हमें इसमें हल्का सा ऑयल लगा लेना चाहिए। ऑयल को लगाने के बाद इसमें हमें इस खांचे में बैठाना होगा। ये देख सकते हैं ये किक शाफ्ट हुआ, ये यहाँ पे रहेगा, ये ऐसे, इसके आगे नहीं जाएगा, इसको आपको इसी पे सेट करना होगा। इसको लगाने के बाद यहाँ पे एक वाशर रहता है, ये वाशर लगाना मत भूलना दोस्तों, नहीं तो किक सही से काम नहीं करेगा। ये वाशर हमें इस पे लगाना होगा। ये इतना चीज हमारा फिट हो गया। अब हमें इसमें क्रैंक को लगाना होगा। क्रैंक को लगाने से पहले सबसे पहले हम इसमें ऑयल हल्का सा लगा लेंगे ताकि क्रैंक को बैठने में दिक्कत ना हो। इसमें हमें ऑयल को लगा लेना होगा। ये जो टाइमिंग चेन वाला दाता है दोस्तों, ये हमें नीचे की तरफ रखना होगा, ये ऐसे लगेगा। ये देख सकते हैं आसानी से बैठ गया। अब एक बार इसको हम नचा के भी देख लेते हैं। ये कैसे पता करोगे कि बैठ गया? अगर ये बैठ जाएगा तो ये देख सकते हैं ये चेंबर के बाहर नहीं जाएगा, इस बगल भी नहीं जाएगा, इस बगल भी नहीं जाएगा, तो समझ लेना कि ये हमारा फुल बैठ गया है। एक बार इसको नचा के भी देख लेना, ये अच्छे से वर्क कर रहा है।
ये हमारा हो गया। अब इसमें हमें पैकिंग को लगाना होगा। पैकिंग को लगाने से पहले उसमें हल्का सा रेसी बॉन्ड को लगा लेना होगा, ताकि ये बहुत पुराना चेंबर है, ये दो तीन बार इंजन पहले से ही खुल चुका है। अगर हम इसमें रेसी बॉन्ड को नहीं लगाएंगे तो ये लीक करने का चांस रहेगा। तो चलिए इसमें हम पैकिंग लगाते हैं और रेसी बॉन्ड को भी लगाते हैं। देख सकते हैं इसमें हमने पैकिंग को लगा लिया और रेसी बॉन्ड को भी लगा लिया। अब इसके बाद हमें इस चेंबर को लगाना होगा। ये देख सकते हैं ये चेंबर हमारा अच्छी तरीके से बैठ गया है। अब इसमें हमें बोल्ट को लगाना होगा जो उस तरफ से लगेगा। तो चलिए इसको दिखाते हैं कि बोल्ट कहाँ से लगेगा। इसको हमें इस तरफ बोल्ट लगाना होगा। अब इसमें हमें बोल्ट को लगाना होगा जो कि 7 बोल्ट लगता है। इसमें 4 बोल्ट सेम साइज का होता है और 2 बोल्ट सेम साइज का होता है और 1 बोल्ट सबसे छोटा होता है। तो चलिए इसको दिखाते हैं कौन सा बोल्ट कहाँ पे लगेगा। ये वाला बोल्ट यहाँ पे लगेगा और ये वाला बोल्ट यहाँ पे लगेगा और ये एक बोल्ट इस बगल लगेगा। और ये जो आप देख रहे हो इसमें ये लगा हुआ है, इसमें हम एयर वाला पाइप लगाते हैं जो कि यहाँ पे लगेगा ऐसे। और एक जो सबसे छोटा बोल्ट है वो यहाँ पे लगेगा। और ये जो दोनों सेम साइज के हैं, एक यहाँ पे लगेगा और एक यहाँ पे लगेगा। तो चलिए हम इन 7 बोल्ट को फुल टाइट कर लेते हैं 8 नंबर के टिपाने से। हमें क्रॉस बाय क्रॉस कसना चाहिए, एक इस बगल से तो एक इस बगल से, ये गोरी से नहीं कसना चाहिए। इन 7 बोल्ट को हमने फुल टाइट कर लिया। अब इसके बाद हमें एक ये बोल्ट लगाना होगा जिसमें एक वाशर ये फिक्स वाशर रहता है, ये बाहर नहीं निकलेगा है। ये 10 नंबर के डीप पानी से कसाएगा जो कि यहाँ पे लगेगा। तो चलिए इसको लगाते हैं। इसको भी हमने फुल टाइट कर लिया। अब इसको फुल टाइट करने के बाद हमें इस चीज़ को लगाना होगा। इसमें हमें हल्का सा रेसी बांध को लगा लेना चाहिए ताकि कहीं से लीक ना करे। ये जो कट वाला पोर्शन है इसके सामने रहेगा। ये जो इसमें हमने अच्छे से रेसी बांध लगाकर इसको पैक कर दिया। अब हमें इन दोनों आलसील को लगाना होगा, एक यहाँ पे लगेगा और एक यहाँ पे। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये 2 आलसील एक ही तरह रहता है। तो आपको बता दें कि ये जो भारी वाला आलसील है ये इसमें लगेगा जो कि मैग्नेट की तरफ प्लेट दिया होता है, और ये जो छोटा आलसील है ये हमारे इस पॉकेट वाले शॉप के पास में लगेगा। तो चलिए हम इसको लगाते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें भी हल्का हल्का रेसी बांध को लगा सकते हैं ताकि कहीं से कोई लीक की प्रॉब्लम ना हो। ये देख सकते हैं इसको भी हमने आसानी से बैठा लिया। इसको लगाने के बाद अब हमें इस वाले आलसील को लगाना होगा। इसमें भी हम हल्का सा रेसी बांध को अप्लाई कर देते हैं। ये आसानी से लग जाता है दोस्तों, आसानी से लगा दिया। ये दोनों आलसील और ये एक तीनों लग गया और सभी बोल्ट को मैंने फुल टाइट कर लिया। अब हम इसके क्लच के साइड चलते हैं और उस बगल पूरा सेटिंग करते हैं, बताते हैं कैसे किया जाता है। अब इस बगल हमें काम करना होगा। इस बगल सबसे पहले हमें इसके किक को लगाना होगा। तो चलिए इसको बताते हैं कैसे लगाया जाता है। सबसे पहले हम इसको टाइमिंग को देखेंगे। ये जो बिंदी बिंदी बना हुआ है यही इसका टाइमिंग है, और यही सेम बिंदी इसमें भी बना हुआ होता है।
ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बिंदी बना हुआ है। तो इसको हमें इस स्प्रिंग में इस तरीके से लगाना होगा, ये जो खाँचा बना हुआ है स्प्रिंग में ये हमें इस तरह ऐसे लगाना होगा। अब इसको हमें इस तरीके से इसमें लगाना होगा और ये जो बिंदी है दोस्तों ये इस वाले बिंदी के सामने रहना चाहिए। तो चलिए इसको लगाने के बाद दिखाते हैं कि कैसे लगेगा। ये जो देख सकते हैं ये जो बिंदी लगा हुआ है इस वाले बिंदी के सामने है। ये जो देख सकते हैं ये जो बिंदी बना हुआ है वो बिंदी जस्ट इसके सामने होना चाहिए। उसे अंदर दबा के इस वाले स्प्रिंग को हमें यहाँ पे लाना होगा, यहाँ पे। इसको आप चाहे तो पेचकस की मदद से भी यहाँ पे ला सकते हैं, ये आसानी से चला जाएगा। तो चलिए इसको हम वहाँ पे ले चलते हैं। ये देख सकते हैं ये हमारा आसानी से चला गया। इसको लगाने के बाद अब हमें यहाँ पे एक लॉक को लगाना होगा। तो चलिए दिखाते हैं वो लॉक कैसे लगेगा। सबसे पहले इस लॉक प्लास में हम इस लॉक को फंसा लेंगे, ये ऐसे। इसके बाद अब हमें इसमें लगाना होगा, ये आसानी से लग जाएगा। ये देख सकते हैं आसानी से लग गया। अगर ये लॉक सही तरीके से लग जाएगा तो इसको आप नचाओगे तो ये इधर उधर घूमने लगेगा। तो समझ जाना कि ये आसानी से लग गया। इसको लगाने के बाद अब हमें सबसे पहले इसमें इस फिल्टर को लगा लेना चाहिए, नहीं तो बाद में भूल जाओगे। तो चलिए सबसे पहले इसके फिल्टर को हम लगा लेते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से रहता है। एक और ही पतला साइज रहता है, तो जो पतला वाला साइज रहता है इसको हमें अंदर की तरफ रखना होगा। ये देख सकते हैं इसको हमने अंदर की तरफ आसानी से रख लिया। अब इसके बाद हमें इसमें गियर वाले को लगाना होगा। ये देख सकते हैं ये गियर लीवर चेंजर है, तो इसको हम इसमें लगाएंगे, ये यहाँ पे लगेगा, ये आसानी से लग जाएगा। और ये जो दो खाँचा बना हुआ है ये इसमें लगेगा, ये आप देख सकते हैं, आपको बता दे सही से, ये जो खाँचा बना हुआ है ये इसमें रहेगा। तो चलिए दिखाते हैं। ये देख सकते हैं ये हमारा आसानी से बैठ गया, ये ऐसे लगेगा। ये देख सकते हैं ये सही से काम भी कर रहा है। अब इसके बाद हमें इसको लगाना होगा। ये जो निशान बना हुआ है ये ऊपर की तरफ रहेगा और ये जो छेदा दिखाई दे रहा है आपको ये इस बिंदी में जाएगा। अगर ये सही से मैच ना करे तो आप इसको पलट के भी देख लेना। इसको हमने लगा लिया। इसको लगाने के बाद अब हमें इसको लगाना होगा। ये देख सकते हैं ये पहले से ही मार्का बना हुआ है, जैसे मार्का बना है सेम उसी तरीके से हमें इसको लगाना है। इसको लगाने के बाद हमें इस बोल्ट को लगाना होगा, जो कि 10 नंबर का रहता है, ब्लैक कलर का रहता है, यहाँ पे हल्का चिपका हुआ रहता है। तो इसको चलिए हम लगा लेते हैं, इसको भी हम फुल टाइट कर लेते हैं। ये देख सकते हैं इसको हमने फुल टाइट कर लिया, ये आसानी से वर्क कर रहा है। एलंकी था 5 नंबर, ये हमने फुल टाइट कर लिया। इसको लगाने के बाद अब हमें इसको लगाना होगा, ये यहाँ पे लगेगा, ये 5 नंबर के एलंकी से कसाएगा। इसको सबसे पहले हमें इस तरफ खींचना होगा, अगर इधर रहेगा तभी, अगर मान लीजिए ये ऐसे रहेगा तो सही से नहीं कसाएगा। इसको हमें इस तरफ खींच के अब इस बोल्ट को हमें टाइट करना होगा, 5 नंबर के लंकी से हम इसको फुल टाइट कर देते हैं। इसको फुल टाइट करने के बाद अब हमें सबसे पहले इसमें प्राइमरी गियर को लगाना होगा। ये जो देख सकते हैं ये उभरा हुआ पार्ट है ये अंदर की तरफ लगेगा, इसको ऐसे नहीं लगाना है, इसको ऐसे लगाना है। ये प्राइमरी गियर को लगाने के बाद अब हमें इस वाशर को लगाना होगा, ये लग गया। इसको लगाने के बाद अब हमें इस बूश को लगाना होगा, जो कि प्राइमरी, इस वाशर को लगाने के बाद अब हमें इस बूश को लगाना होगा जो कि क्लच हाउजिंग का बूश है। तो इसको चलिए हम लगा लेते हैं। इसको लगाने के बाद अब हमें इसमें क्लच हाउजिंग को लगाना होगा। इस बूश को लगाने के बाद अब हमें इसमें क्लच हाउजिंग को लगाना होगा।
ये देख सकते हैं ये आसानी से लग गया। इस हाउजिंग को लगाने के बाद हमें एक पतला वाशर लगाना होगा जो कि लॉक वाशर की तरह दिखने में लगता है। ये पतला वाशर इसको लगाएंगे। इसको लगाने के बाद अब हमें लॉक वाशर को लगाना होगा जो कि दो भाग में रहता है। ये कट वाशर भी इसको बोलते हैं। इसको हम ऐसे लगाएंगे। इसको लगाने के बाद ये लॉक हो जाता है, ये हाउसिंग बाहर नहीं निकलता है। इसको लगाने के बाद अब हमें एक वाशर और लगाना होगा जिसका नाम है कटोरी वाशर। ये देख सकते हैं ये कटोरी वाशर है, इसमें अंदर गड्ढे टाइप का बना हुआ रहता है। इसको हम ऐसे लगाएंगे, ये देख सकते हैं अब ये लॉक हो गया, अब ये बाहर नहीं निकलेगा। अब हम इसमें क्लच प्लेट को सेट करते हैं, तो चलिए दिखाते हैं कैसे सेट किया जाता है। ये देख सकते हैं ये इसका क्लच का हब है जिसको क्लच हब बोलते हैं। सबसे पहले हमें इसमें क्लच प्लेट को लगाना होगा जो कि इस तरीके से लगेगा। इसके बाद हमें एक सेंटर क्लच प्लेट लगाने के बाद इसमें प्रेशर प्लेट को लगाएंगे। ये जो उभरा हुआ पोर्शन है ये हमें अंदर की तरफ रखना होगा, ये ऐसे लगेगा। इसको लगाने के बाद इसके बाद हमें फिन एक क्लच प्लेट को लेना होगा, उसके बाद फिन एक प्रेशर प्लेट को। ये जो उभरा हुआ पोर्शन है ये हमेशा नीचे की तरफ रखना होगा, इसको हमें ऐसे लगाना होगा। उसके बाद फिन एक प्रेशर प्लेट को लगाएंगे, उसके बाद फिन एक क्लच प्लेट, उसके बाद इसके क्लच सेंटर को हम लगाएंगे। ये देख सकते हैं हमारा आसानी से लग गया। अब इसको हम इस हाउसिंग में फिट करेंगे। ये देख सकते हैं हमारा सही से फिट हो गया। ये तीन खांचा इसमें रहेगा और एक खांचा इसमें रहेगा। ये देख सकते हैं ये तीन क्लच प्लेट हमने इसमें लगाया है और एक क्लच प्लेट हमारा इसमें लगेगा। ये आसानी से बैठ गया। इसको बैठने के बाद एक बार ये देख लेना फ्री है कि नहीं। अगर ये फ्री रहेगा तो समझ लेना कि सही बैठा है, ये फ्री रहना चाहिए। ये देख सकते हैं ये सही से बैठ गया। अब इसके बाद हमें इस वाशर को लगाना होगा जिसमें जीरो बना हुआ है। ये जो जीरो बना हुआ है ये बाहर की तरफ रहेगा, इसको हम ऐसे लगाएंगे। अब उसके बाद हमें इस बोल्ट को लगाना होगा। अब इस बोल्ट को फुल टाइट करने के लिए हमें इन दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। ये जो चार खाना बना हुआ है ये इसमें लगेगा। इसमें लगाने के बाद फिर हम इस औजार से इसको फुल टाइट करेंगे। अब इसको फुल टाइट करने के लिए हमें इन दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। ये जो देख सकते हैं चार खाना बना हुआ है ये इसमें लगेगा और इस चीज से हम इसको फुल टाइट करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं ये कैसे फुल टाइट किया जाता है। ये देख सकते हैं इसको हम इसकी मदद से फुल टाइट करेंगे। इसको हमने फुल टाइट कर लिया। अब इसके बाद इसमें चार स्प्रिंग को लगाना होगा हमें। अब इसके बाद हमें इसमें चार स्प्रिंग को लगाना होगा। इस स्प्रिंग को लगाने से पहले सबसे पहले आपको देख लेना चाहिए कि ये प्ले है कि नहीं। अगर ये प्ले रहेगा तभी क्लच हमारा सही से काम करेगा। तो चलिए अब इसको हम लगा लेते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो का लाइक भी कर दीजिए। इसमें स्प्रिंग को लगाने के बाद अब हमें इसको लगाना होगा। इसको लगाने के बाद हमें इसमें चार 10 नंबर का बोल्ट लगाना होगा जो कि चारों सेम साइज का रहता है। ये देख सकते हैं इसमें 10 mm का चार बोल्ट है। ये चारों सेम साइज का रहता है, कुछ इस तरीके से देखने में लगता है। तो चलिए इसको हम टाइट करते हैं। इस बोल्ट को हमें पारी के पारा टाइट करना चाहिए। सबसे पहले ये फिन ये फिन ये फिन ये नहीं कि ये फुल टाइट कर दिया इससे ये खराब हो सकता है। सबसे पहले हमें इसे क्रॉस में करना होगा, ये फिन ये उसके बाद ये फिन ये। तो चलिए इसको हम फुल टाइट कर लेते हैं। इसको फुल टाइट करने के लिए हमें इसका मदद लेना होगा। इसको हम एक हाथ से धरेंगे और एक हाथ से इसको फुल टाइट करेंगे।
इसको फुल टाइट करने के बाद अब यहाँ पे एक बैरिंग लगता है, ये वाला बैरिंग। इसको चलिए हम हल्का ल्यूब्रिकेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको लगाएंगे। इसमें जो नंबर लिखा हुआ रहता है ये हमेशा बाहर की, ये देख सकते हैं आसानी से लग गया। इसको लगाने के बाद अब हमें इसमें क्लच कटोरे को लगाना होगा, तो चलिए लगाते हैं। ये देख सकते हैं इसके क्लच के कटोरे को हम इस तरीके से लगाएंगे। उसके बाद इसमें 8 नंबर का 2 बोल्ट लगेगा जो दोनों सेम साइज के रहते हैं, तो चलिए इसको भी हम फुल टाइट कर लेते हैं। ये देख सकते हैं इसको हमने फुल टाइट कर लिया। इसको फुल टाइट करने के बाद अब हमें इसको लगाना होगा। इसको लगाने के बाद यहाँ पे हमें एक वाशर को लगाना होगा और इसके बोल्ट को। इसमें भी देख सकते हैं ये 0 बना हुआ है, ये जो 0 बना हुआ है ये ऊपर की तरफ रहेगा, बाहर की तरफ। इसको ऐसे लगाएंगे, उसके बाद हमें इस बोल्ट को लगाना होगा। अब इसको हमें फुल टाइट करना होगा। इसको फुल टाइट करने के लिए ये कूलर की मदद से हम करेंगे। अगर ये कसोगे तो ये घूमेगा, तो इसको हमें कसने के लिए एक बोल्ट को लगाना होगा, जो कि दिखाते हैं कहाँ पे लगेगा। इसको मैंने फुल टाइट कर लिया। इसको फुल टाइट करने के बाद अब इसके प्लेट को हमें लगाना होगा। इसको प्लेट के लगाने से पहले सबसे पहले एक पैकिन आता है, इस पैकिन को हमें लगा लेना चाहिए। इस पैकिन को लगाने के बाद तब हमें इसको इसमें लगाना चाहिए। इसको लगाने के बाद अब हमें 4 पेच लगाना होगा जो कि चारों सेम साइज के रहते हैं। तो चलिए इन 4 पेच को हम फुल टाइट कर लेते हैं। देख सकते हैं इस सभी पेच को हमने फुल टाइट कर लिया। इधर का सारा प्रोसेस हमने पूरा कर लिया। अब हमें इस बगल पैकिंग को लगाना होगा, तो चलिए इस पैकिंग को लगा लेते हैं। इसके क्लच कवर को लगाने से पहले सबसे पहले हमें इसके ओरिंग को चेंज कर देना चाहिए, नहीं तो क्लच की तरफ से ऑयल लीक करेगा। तो चलिए इस ओरिंग को हम सबसे पहले लगा लेते हैं। ये देख सकते हैं इसके ओरिंग को हमने लगा लिया। अब इसमें हमें स्प्रिंग को लगाना होगा। ये देख सकते हैं इसके स्प्रिंग को भी हमने लगा लिया। अब इसको हम क्लच की तरफ लगाएंगे। इसमें ओरिंग लगाने के बाद हमने इसके स्प्रिंग को भी लगा लिया। अब हम इसको इस तरीके से इसमें लगाएंगे। ये देख सकते हैं हमारा आसानी से लग गया। इसको लगाने के बाद अब हमें इसमें थ्रेसी को लगाना होगा। इसको लगाने से पहले हमें इसमें हल्का सा ग्रीस लगा लेना चाहिए, ताकि ये चेंबर को लगाते वक्त गिरे ना। ये देख सकते हैं इसको हमने लगा लिया। इसको लगाने के बाद अब हमें इस क्लच कवर को लगाना होगा। इसको क्लच कवर को लगाने से पहले सबसे पहले हमें इस वाले लाइन को साफ कर लेना चाहिए। इसमें हमें फूंक के देख लेना चाहिए कि ये साफ है कि नहीं। इसको हमने साफ कर लिया। अब इसको हम क्लच कवर को लगाएंगे। ये देख सकते हैं हमारा आसानी से बैठ गया। ये बैठा है कि नहीं इसको कंफर्म करने के लिए आपको इसको दबाना होगा। चलो इधर दिखा, ये आवाज चाहिए हुई हो, ठीक बा। इसको अगर आप आगे की तरफ दबाओगे तो ये चेंबर जो है ये ऊपर की तरफ उठेगा, तो समझ लेना कि क्लच हमारा सही से काम कर रहा है। एक बार मैं आपको फिर दिखा देता हूँ कि देखिए फुल बैठे हुए, इसको अगर आप दबाओगे तो ये ऊपर की तरफ आएगा। इस तरीके से समझ जाना कि हमारा क्लच सही से काम कर रहा है। अब इसमें हम सभी बोल्ट को लगाएंगे। अब इसमें हमें इस बोल्ट को लगाना होगा जो कि 5 बोल्ट सेम साइज के रहते हैं और 1 बोल्ट सबसे भारी रहता है और ये दोनों बोल्ट 1 साइज का रहता है। तो चलिए दिखाते हैं। ये जो सबसे भारी वाला बोल्ट है ये हमें यहाँ पे लगाना होगा और ये जो दोनों सेम साइज के बोल्ट हैं एक यहाँ पे लगेगा और एक इस बगल लगेगा। अब इसके बाद ये जो 5 बोल्ट है ये हमें हर जगह लगा देना होगा। इन सभी बोल्ट को हमने फुल टाइट कर लिया। अब इसके बाद हमें यहाँ पे एक आलसी लगेगा जो कि की आलसी, तो चलिए इसको भी हम लगा लेते हैं।
ये देख सकते हैं इस प्लग रिंच की मदद से हमने इस की कालसील को सही से बैठा लिया। अब इस बगल का हमारा सारा काम फिनिश हो गया। अब हम इसमें हेड और सिलेंडर को असेंबल करेंगे, तो चलिए दिखाते हैं वो कैसे किया जाता है। इस बगल सबसे पहले हमें इस पैकिंग को लगाना होगा, तो चलिए इस पैकिंग में हल्का सा रेसी बॉन्ड लगा के इसको हम लगा लेते हैं। ये देख सकते हैं ये पत्ती भी कट गया है, तो इसको भी हम चेंज कर देंगे, जो कि मात्र 50 या 55 रुपये के आसपास आपको हीरो का ओरिजिनल मिल जाएगा। तो चलिए इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। उसके बाद इसमें हम टाइमिंग चैन को लगाएंगे। ये देख सकते हैं ये 56 रुपया इसका MRP है, जो कि हीरो का ओरिजिनल हमने लिया है। तो चलिए इसको हम इसमें असेंबल करते हैं। ये 17 नंबर के स्पाइनर से खुलेगा, इसको खोल के हम इसको चलिए लगा लेते हैं सबसे पहले। ये देख सकते हैं ये जो उभरा हुआ पोर्शन है ये बाहर की तरफ रहेगा। इसमें हम इस बोल्ट को ऐसे लगाएंगे और यहाँ पर इसको हम फुल टाइट करेंगे। इसको हम ऐसे फुल टाइट कर लेंगे। इसको हमने फुल टाइट कर लिया। इसको टाइट करने के बाद अब हमें इसमें इस चैन को लगाना होगा। ये देख सकते हैं ये हमारा चैन आसानी से बैठ गया। अब इसमें हम सिलेंडर को लगाएंगे, तो चलिए सबसे पहले हम इसके पिस्टन को बताते हैं कैसे सेट किया जाता है। इस पिस्टन में रिंग लगाने से पहले सबसे पहले हमें एक तरफ लॉक को लगा लेना चाहिए, इससे दिक्कत नहीं होता है। तो चलिए हम दिखाते हैं कि इसमें लॉक कैसे लगेगा। इसको हम एक पतले पेचकस की मदद से आसानी से लगा लेंगे, तो चलिए इसको हम लगा लेते हैं। ये देख सकते हैं इसमें हमने लॉक को लगा लिया। इसमें लॉक को लगाने के बाद इस लॉक को हमें हल्का सा आगे घसका देना चाहिए, ताकि फिर कभी अगर मान लीजिए इसको खोलना पड़े तो ये दिक्कत ना हो, ये आसानी से खुल जाए। तो चलिए अब हम इसमें रिंग को सेट करेंगे और बताते हैं इसमें रिंग कैसे सेट किया जाता है। सबसे पहले हमें इस वाले रिंग को लगाना होगा जिसमें M बना होता है। अगर आप इसको ऐसे करोगे तो ये W हो जाएगा, लेकिन हमें इसको M की तरफ रखना होगा। तो चलिए इसको हम लगाते हैं, इसको हम M की तरफ रखेंगे। ये देख सकते हैं इसको हमने लगा लिया। इसके बाद हम दो रिंग और लगाना होगा इसमें, तो चलिए उसको बताते हैं कहाँ पे लगेगा। ये जो हमने M बनाया है इसको हमें इन के डायरेक्शन में रखना होगा, और ये जो दूसरा नंबर का रिंग है इसको हम यहाँ पे रखेंगे इसके सीधे। एक हमने इसके इन के डायरेक्शन में रखा और एक हमने यहाँ पे रखा, अब एक हम यहाँ पे रखेंगे। ये देख सकते हैं एक मैंने यहाँ पे रखा है इसके सामने, और एक हमने यहाँ पे रखा है और एक यहाँ पे रखा है। अब इसके टॉप टू रिंग को हम लगाएंगे। अब हम इसमें इस वाले रिंग को लगाएंगे जिस पे लिखा हुआ है टॉप टू। ये जो लिखा हुआ पोर्शन है ये हमें ऊपर की तरफ रखना होगा, तो चलिए दिखाते हैं ये कहाँ पे रहेगा। इसको हमें इस वाले डायरेक्शन पे रखना होगा यहाँ पे, तो चलिए इसको हम लगाते हैं। ये देख सकते हैं इसको हमने लगा लिया। अगर आपको रिंग लगाने का तरीका नहीं समझ में आया हो दोस्तों, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको पूरी जानकारी दे दूंगा कि रिंग कैसे सेट किया जाता है। एक हमने यहाँ पे रखा, अब टॉप वन को हमें इस जगह पे रखना होगा। जो लिखा हुआ भाग रहता है वो हमें ऊपर की तरफ रखना होगा। ये देख सकते हैं रिंग पे लिखा हुआ है टॉप वन, तो ये जो लिखा हुआ है ये हमें ऊपर की तरफ रखना होगा। ये देख सकते हैं ये हमारा रिंग का सेटिंग पूरा हो गया। अब इसको हम इसमें लगाएंगे। ये जो इन लिखा हुआ है इसको हमें ऊपर की तरफ रखना होगा, जिस तरफ कार्बोरेटर रहता है। तो चलिए इसको हम लगाते हैं। इस पिन में हमें ऑयल लगा लेना चाहिए। ऑयल लगाने के बाद लगाओगे तो ये आसानी से बैठ जाएगा।
ये देख सकते हैं इसमें हमने पिन को लगा दिया। अब इस पिन को लगाने के बाद इसमें हमें एक लॉक और लगाना होगा। लॉक को लगाने से पहले सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ लगा लेना चाहिए ताकि अगर लॉक छटके तो वो इंजन के अंदर ना जाए, नहीं तो हमें पूरा इंजन फिर से खोलना पड़ सकता है। तो चलिए इसको हम लगाते हैं। ये देख सकते हैं इस जगह पे हमने लगा दिया ताकि अगर लॉक छटके तो इंजन के अंदर ना जाए। अब इसमें चलिए हम लॉक लगा लेते हैं। इसमें हमने लॉक को लगा लिया। अब इसमें लॉक को लगाने के बाद अब हमें इसमें इस सिलेंडर को लगाना होगा। ये जो देख सकते हैं छेदा है इसमें 10 नंबर का बोल्ट कैसे का, ये हमें इस तरफ रखना होगा। इसको हम ऐसे लगाएंगे, ये देख सकते हैं ऐसे। इसको लगाने से पहले सबसे पहले हमें इसमें पैकिंग को लगाना होगा। तो चलिए हम पैकिंग को लगा लेते हैं, फिर उसके बाद इसमें ऑयल लगा के फिर हम इस सिलेंडर को लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे लगाया जाता है। इसमें हमने पैकिंग को लगा दिया। पैकिंग लगाने के बाद अब हमें यहाँ पे एक ओरिंग लगाना होगा जो कि कुछ इस तरह का से रहता है। तो चलिए इसको भी हम यहाँ पे लगा लेते हैं। ये गिरे ना, इसके लिए हमें हल्का सा रेसी बॉन्ड इस पर लगा लेना चाहिए। ये ऑयल लगा लोगे तो ये पिस्टन आसानी से बैठ जाएगा। इसको लगाने के लिए हमें एक पतला पेचकस की ज़रूरत है। उस पतले पेचकस से हम रिंग को अंदर की तरफ दबाएंगे तो ये आसानी से लग जाएगा। तो चलिए इसको हम लगा लेते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों ये आसानी से लग गया। अब इस चैन को हम इसके अंदर से बाहर निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं इसमें हमने पिस्टन को टॉप पे कर लिया है। अब इसके बाद हमें इसमें बोल्ट को लगाना होगा जो कि 5 नंबर एलंकी का बोल्ट रहता है, कुछ इस तरीके का देखने में रहता है। चलिए इसको हम लगा लेते हैं। अब इसके बाद हमें इसमें रोलर को लगाना होगा जो कि यहाँ पे लगेगा। तो चलिए इसमें हम रोलर को लगा लेते हैं। यही रोलर है जो कि यहाँ पे लगेगा। तो चलिए हम इसको लगा लेते हैं। इसको लगाने के बाद 10 mm के बोल्ट से इसको टाइट करना होगा। ये देख सकते हैं इसमें हमने रोलर को लगा दिया। अब इस 10 नंबर बोल्ट को हम टाइट कर देंगे। अब इसके बाद हम इसमें पैकिंग को लगाएंगे। पैकिंग को लगाने के बाद इसके हेड की फिटिंग करेंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों इसमें वाल और वाल सील जहाँ पे मैंने खराद करा था उसने इसमें लगा के दिया है। अब इसमें हमें कैम शाफ्ट को लगाना होगा और इसके रॉकर आर्म को। तो चलिए दिखाते हैं वो कैसे लगेगा। इसको लगाने से पहले सबसे पहले हमें इसमें ऑयल लगा लेना चाहिए हल्का, इस दोनों तरफ। अब इसको हमें इसमें लगाना होगा। चलो ये देख सकते हैं आसानी से ये बैठ गया। इस कैम साथ भी लगाने के बाद अब हमें ये लगाना होगा, ये ऐसे लगेगा। इसको लगाने के बाद हमें इसको लगाना होगा। इसमें एक तरफ सिंपल रहता है और एक तरफ चूड़ी बना हुआ रहता है, तो ये हमें बाहर की तरफ रखना होगा। और एक इस तरफ लगेगा, इसको भी हमें वैसे ही रखना होगा। ये देख सकते हैं एक तरफ हमें बोल्ट कसने के लिए देख सकते हैं ये दोनों हमने लगा लिए। अब हमें एक पेचकस की मदद से इसको अंदर की तरफ ढकेलना होगा। ये देख सकते हैं इसमें हमने पैकिंग को लगा लिया और रेसी बैंड को भी लगा लिया। अब इसको हम ऐसे लगाएंगे। इसको हमने लगा लिया। अब इसमें हम 8 mm के 2 बोल्ट लगाएंगे।
ये देख सकते हैं इसमें हमने पैकिंग को भी लगा लिया और इसके कैमशाफ्ट को भी और इन दोनों रॉकों को भी। अब इसके हेड को हम फिटिंग करेंगे। इसमें आप रेसी बैंड मत लगाना। ये देख सकते हैं इसमें हमने पैकिंग को लगा लिया। पैकिंग को लगाने के बाद यहाँ पे ओरिंग लगता है, इसको आप खुलना मत, इसको भी लगा देना। इसको लगाने के बाद हमें दो पिंडोल को लगाना होगा, जो कि एक यहाँ पे लगेगा और एक यहाँ पे। तो चलिए इसको भी हम लगा लेते हैं। देख सकते हैं इसमें हमने पिंडोल को लगा लिया। अब हम इसके हेड को लगाएंगे। देख सकते हैं ये हमारा आसानी से लग गया। अब इसको इसमें हम चैन निकाल देंगे बाहर की तरफ। चैन निकालने के बाद हम इसको आसानी से लगा देंगे। ये देख सकते हैं इसमें हमने हेड को लगा लिया। अब इसके बाद हमें यहाँ पे पैकिंग को लगाना होगा। तो चलिए इस यहाँ पे हम पैकिंग को लगाते हैं। इसमें पैकिंग लगाने के बाद अब हम इसके कवर को लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं ये जो एग्जॉस्ट लिखा हुआ है ये नीचे की तरफ रहेगा, यहाँ पे तीर भी लगा हुआ है। अब हम इसमें चार वाशर को लगाएंगे। ये जो एक वाशर पीला कलर है ये हमें साइलेंसर की तरफ लगाना होगा। तो चलिए बताते हैं ये वाशर कहाँ पे लगेगा। ये एक वाशर जो है पीला कलर का रहता है, इसको हमें साइलेंसर की तरफ लगाना होता है यहाँ पे, और बाकी के तीन वाशर यहाँ पे लगेगा। अब इसके बाद हम इसमें 10 नंबर के बोल्ट को कसेंगे। ये देख सकते हैं इसमें हमने चारों बोल्ट को फंसा लिया है। अब इसे हम 10 नंबर की स्पाइनर से फुल टाइट करेंगे चारों को। इन चारों को कसने के बाद अब हमें एक बोल्ट यहाँ पे लगेगा, इसको भी चलिए फंसा लेते हैं। अब हमें इन चारों बोल्ट को फुल टाइट कर लेना होगा। इनको फुल टाइट करने के बाद एक इसको और इसको, इन दोनों को फिर टाइट करना होगा। तो चलिए कसते हैं। इन चारों बोल्ट को हमने फुल टाइट कर लिया। अब हमें इन दोनों बोल्ट को टाइट करना होगा, जो कि 5 नंबर के एलंकी से टाइट होगा। तो चलिए इन दोनों को भी कस लेते हैं। इन दोनों बोल्ट को भी हमने फुल टाइट कर लिया। अब हम इस 10 नंबर वाले बोल्ट को भी फुल टाइट करेंगे। इसको भी मैंने फुल टाइट कर लिया। अब हमें इसमें रोलर को लगाना होगा। रोलर को लगाने के बाद हम इसके टाइमिंग को मिलाएंगे। ये देख सकते हैं इसका छोटा रोलर है, जिसपे हीरो लिखा हुआ है, ये हमें बाहर की तरफ रखना होगा। ये कुछ इस तरीके से लगेगा। ये देख सकते हैं इसको मैंने लगा लिया। अब हमें इसके टाइमिंग को मिलाना होगा। ये देख सकते हैं इसका टाइमिंग यहाँ पे रहेगा। ये जो आपको मार्का दिख रहा है, ये वाला मार्का इसके सामने रहेगा। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये यहाँ पे ये जो मार्का बना हुआ है, ये वाला, ये इसके सामने रहेगा, जो यहाँ पे मार्का बना हुआ है। अगर ये मार्का यहाँ पे रहेगा इसके सामने, तो पिस्टन हमारी टॉप पे रहेगी। इसको हमें इसके सामने रखना होगा। ये हमारा पिस्टन टॉप हो गया। अब हम यहाँ पे लगाएंगे इस यहाँ पे जो इस पॉकेट लगता है। तो चलिए इसको भी लगाते हैं। ये देख सकते हैं इसमें ये जो बिंदी बना हुआ है, ये यहाँ पे रहेगा इसके सामने। ये जो यहाँ पे कट लगा हुआ है, हम इसको कुछ इस तरीके से लगाएंगे, इस तरीके से। तो चलिए इसको भी हम लगा लेते हैं।
ये देख सकते हैं इसका टाइमिंग हमने परफेक्ट मिला लिया है। ये वाला टाइमिंग जो है हमारा, ये जो टी लिखा हुआ है ये वाला इसके सीध है, और ये वाला देख सकते हैं हमारा इसके सामने है। ये देख सकते हैं ये बिंदी इसके सामने है, तो हमारा टाइमिंग परफेक्ट हो गया। अब इसके हम दो बोल्ट लगाएंगे जो कि 8 नंबर के रहते हैं, तो चलिए इसको भी हम फुल टाइट कर लेते हैं। अगर इसको हम टाइट करेंगे तो ये घूमेगा, तो आपको एक हाथ से यहाँ पे पकड़ लेना होगा, फिर उसके बाद इसको टाइट करना होगा। ये हमारा फुल टाइट हो गया। अब इसके बाद हमें इसमें पुश राड को लगाना होगा, तो चलिए हम इसमें पुश राड को लगा लेते हैं। ये देख सकते हैं यही हमारा पुश राड है, इसमें एक काला सा रबर लगता है, तो चलिए उस रबर को हम लगा लेते हैं। ये देख सकते हैं इसमें हमने रबर को लगा लिया, अब हमें इसमें यहाँ से लगाना होगा। ये देख सकते हैं ये हमारा लग गया। इसको लगाने के बाद अब हमें इस स्प्रिंग को लगाना होगा, तो चलिए दिखाते हैं ये स्प्रिंग कैसे लगेगा। इसके साथ हमें 14 नंबर के बोल्ट भी लगेगा, ये देख सकते हैं। ये हमारा आसानी से लग जाएगा, इसको हम फुल टाइट कर लेंगे। इसको हम 14 नंबर के गोटी से फुल टाइट कर लेंगे। ये देख सकते हैं हमारा फुल टाइट हो गया, इसको हमने फुल टाइट कर लिया। अब इसके बाद हमें इस प्लेट को लगाना होगा, उसके पहले हमें इसमें ओरिंग को लगाना होगा। यहाँ पे एक ओरिंग लगेगा और यहाँ पे एक आलसुल, तो चलिए इन दोनों को भी हम लगा लेते हैं। यहाँ पे भी दो ओरिंग लगेगा, एक नीचे और एक ऊपर। ये देख सकते हैं इसमें हम आलसिल को लगाएंगे, ये कुछ इस तरीके से लगेगा। इस आलसिल को लगाने के बाद अब हमें यहाँ पे एक ओरिंग भी लगाना होगा, तो चलिए उस ओरिंग को भी लगा लेते हैं। इसमें हम रेसी बैंड को लगा लेंगे ताकि लीक ना करे कहीं से, तो चलिए इस ओरिंग को लगाने के बाद हम रेसी बैंड को भी लगा लेते हैं। ये देख सकते हैं इसमें हमने रेसी बैंड को लगा लिया। अब इसको हमें कुछ इस तरीके से लगाना होगा, ये जो यूपी लिखा है ये ऊपर की तरफ रहेगा, उत्तर प्रदेश मत समझ लेना। ये देख सकते हैं इसमें हमने रेसी बैंड को लगा लिया, अब ये जो यूपी लिखा है इसको हमें ऊपर की तरफ रखना होगा, तो चलिए इसको हम लगा लेते हैं, कुछ इस तरीके से लगेगा। ये देख सकते हैं इसको हमने अच्छे तरीके से बैठा लिया है। अब इसमें हमें दो पेच को लगाना होगा जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, तो चलिए इस पेच को भी हम लगा लेते हैं। 10 नंबर का है। अब इसको हम इस पेचकस की मदद से फुल टाइट कर लेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देख सकते हैं दोस्तों इसको हमने फुल टाइट कर, अब हमें इसके कवर को लगाना होगा जो कि उस बगल से कसाएगा, तो चलिए इसके कवर को भी हम लगाते हैं। इस कवर को लगाने से पहले एक गोला सा पैकिंग आता है, तो चलिए उस पैकिंग को हम पहले लगा लेते हैं। ये देख सकते हैं इसके पैकिंग को हमने लगा लिया, इसमें आप भी रेसी बैंड लगा लेना ताकि कहीं से कोई लीक ना करे, तो चलिए इसको हम कुछ इस तरीके से लगाते हैं। इसको लगाने के बाद ये जो मार्का बना हुआ है ये इसके इस बगल रहेगा, आप ऐसे ही लगाना। चलिए इसको हम उस बगल से फुल टाइट कर लेते हैं। इसको हमने फुल टाइट कर लिया, अब इसके टैपिट को भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, अगर लूज रहेगा तो इसको टाइट कर देंगे, तो चलिए दोनों तरफ के टैपिट को एक बार चेक करके फिर हम इसको सही कर देते हैं। ये देख सकते हैं हमारा टैपिट बहुत ज़्यादा लूज है, ये ऊपर नीचे प्ले है, तो हम इसको ऊपर नीचे वाला प्ले ख़त्म करेंगे, तो चलिए दिखाते हैं कैसे सेट किया जाता है। सबसे पहले इस 9 नंबर वाले बोल्ट को हम लूज करेंगे। इसको लूज करने के बाद हमें इस वाले टैपिट वाले इसको हम टाइट करेंगे, उसके बाद चेक कर लेंगे।
ये ज़्यादा टाइट न रहे, हल्का साइड प्ले रहना चाहिए। ये देख सकते हैं इसको हमने परफेक्ट सेटिंग कर दिया। ये साइड प्ले हल्का हल्का है, ऊपर नीचे नहीं है। ये हमारा फिनिश हो गया। अब इसी तरीके से हम नीचे वाला भी कर देंगे। इन दोनों को हमने अच्छी तरीके से सेट कर लिया। अब इसके बाद हम इसके कवर को लगाएंगे। ये देख सकते हैं ये पुराना कवर है, ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है, तो इसमें हम नया कवर असेंबल करने वाले हैं। ये देख सकते हैं मात्र 29 रुपये का है टैपिट कवर वाला बोल्ट, तो हम इसको इसमें असेंबल करेंगे। तो चलिए इसको निकालते हैं। और इसमें दो ओरिंग लगेगा दोनों बोल्ट में, तो चलिए वो ओरिंग दिखाते हैं कौन सा लगेगा। ये देख सकते हैं ये हमने नया बोल्ट निकाला है, इसमें हम इस ओरिंग को लगाएंगे। तो चलिए इसमें हम इस ओरिंग को लगा लेते हैं। दोनों बोल्ट में हमें ओरिंग को लगाना होगा। ये देख सकते हैं इसके बोल्ट को हमने टाइट कर लिया। इसको हम फुल टाइट नहीं करेंगे, अभी हमें चेक करना होगा कि इसमें से ऑयल आ रहा है कि नहीं। अगर आप भी कभी इंजन बांधना तो सबसे पहले इसमें चेक कर लेना कि इंजन ऑयल आ रहा है कि नहीं। अब इसके बाद हम इसमें मैग्नेट को लगाएंगे, तो चलिए इसमें मैग्नेट को लगाते हैं। ये देख सकते हैं हमारा मैग्नेट बैठ गया। अब इसमें हम एक वाशर और 14 mm का बोल्ट लगाएंगे। ये देख सकते हैं इसमें हमने वाशर को लगाया, अब इसमें 14 नंबर का बोल्ट लगाएंगे। इसको हम फुल टाइट कर लेंगे, तो चलिए इसको फुल टाइट करते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों इसमें हमने कूलर को लगाया है। अब इस कूलर की मदद से हम इस बोल्ट को टाइट करेंगे, तो चलिए टाइट करते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों इसने इसको हमने फुल टाइट कर लिया है। अब इसको हम खोल के निकाल लेंगे। इस ऑयल गेज वाले के ओरिंग को भी हम चेंज कर देंगे ताकि कहीं से लीक ना करे। तो चलिए इस ओरिंग को भी हम चेंज कर देते हैं। इसके ओरिंग को हमने चेंज कर दिया है, अब हम इसको इसमें लगा देंगे। अब इसमें हम मोबिल बोल्ट कस के इंजन ऑयल लाएंगे, फिर इसको हमने ओरिंग को लगा के इसको टाइट कर दिया। अब हम इसके कवर को लगाएंगे, मैग्नेट कवर को, तो चलिए इसको भी हम लगा लेते हैं। अब इसके कवर को हम लोग लगाएंगे। इसमें 3 बोल्ट लगेगा, इन 3 बोल्ट को भी हम फुल टाइट कर लेते हैं। ये देख सकते हैं इसके 3 बोल्ट को हमने फुल टाइट कर लिया। ये हमारा फुल इंजन का काम हो गया। अब हम इसको उस बाइक पे चलाएंगे।